दोस्तों हम चल रहे थे ऋषिकेश की ओर और हमें ये दीदी मिले हैं, तो इन्होंने हमारी कुछ मदद की। क्या नाम है आपका? ये आप कमेंट करके बताना ये वाली शर्ट कैसी लगी आपको। मुझे तो वैसे काफी अच्छी लग रही है। मालिक ये देखो भाई, ये है गंगा नदी भाई। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के दुआ प्यार से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज अजमेर टू केदारनाथ की हमारी साइकिल यात्रा को लगभग डे 9 हो चुका है और इस 9 दिनों के अंदर मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। ये मेरी लाइफ का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट या जो बोलते स्पेशलिस्ट भाग होगा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन 9 दिनों में। तो आज का जो है, मैंने टेंट यहाँ लगाया था। ये मंदिर आप देख सकते हो, ये मंदिर के बाहर हरिद्वार से 10 किलोमीटर पहले मैंने टेंट लगाया था और सामान वामान थोड़ा सा बिखरा है, तो देखते हैं सामान वामान को समेटना है फिर चलते हैं। स्नान वगैरह मैंने किया नहीं है, तो स्नान वगैरह हम सोच रहे हैं कि गंगा जी जाके और गंगा जी में डिपकी लगा देंगे और यही इसी कंडीशन में चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चप्पल में चले तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जाके फिर मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे, फलाना ढमकाना करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम ऐसे चल रहे और नाले धोले। ये वो अंकल जी है जिन्होंने हमें यहाँ पर रुकने दिया। हेलो अंकल जी, क्या नाम है आपका? जसवंत। गाइस अब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और साइकिल वाइकल ये आप देख सकते हो एकदम तैयार है हमारी, और मैंने शॉर्ट्स पहना है तो ये आप देख लो। तो आगे जाके गंगा स्नान करना है, पहले चाय पानी पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद में मैं बैठा हूँ गंगा नदी के तट पर, मतलब किनारे हैं जो अभी गंगा नदी से, देखो मैं आपको प्रदर्शित करवाता हूँ। ये देखिए भाई कितनी प्यारी नदी है। इसके नीचे हम थोड़ा जा नहीं सकते, वरना मैं पास से आपको वहाँ से दिखा। अभी हम आगे चलेंगे और वहाँ पर हम स्नान वगैरह करेंगे तो वहाँ सब कुछ आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो अभी हम एक बेस्ट व्यू पर पहुँचे हैं और जो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ वो देखिएगा भाई। ये देखो भाई, ये सारी चीज़ें देख, देखो मतलब कितना टाइम लगा, कितना कुछ देना पड़ता है आदमी को जब यहाँ पर पहुँचा जाता है, और कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड था मैं कि भाई मैं कब पहुँची, और फिलहाल आज मैं पहुँच चुका हूँ। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे इस बात की। चुका है गंगा नदी के पास में और मैं करवाता हूँ आपको गंगा नदी के दर्शन। तो ये है भाई गंगा नदी, और देख लो वहाँ उस साइड में आप देख सकते हो उस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जल्दी से चिल्ले मारते हैं भाई किधर। काफ़ी खुशी मिल रही है इस बात की कि मुझे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तब मैं एक छोटा सा था मैं, तब मैं यहाँ आया था और आज इतना बड़ा हो गया हूँ, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ। इस बात की खुशी है मुझे यहाँ पर पहुँचने पर, यहाँ पर आने के बाद में इतनी खुशी मिल रही है मुझे कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के कॉइन्स भी मिले हुए हैं। तो आप सभी को मैं बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है गंगा नदी भाई साहब, इतनी खुशी मिल रही है। और वहाँ पर बीच में एक माता जी का मंदिर भी है, आप देख सकते हो, मतलब मूर्ति है। बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ है, उस जगह पर जाते हैं और दिखाते हैं आपके लोगों की कितनी श्रद्धा है यहाँ पर आने से। मेरा भी मन कर रहा है
एक शर्ट खरीदने का, तो अभी खरीदते हैं एक शर्ट। तो अभी दोस्तों हमने एक शर्ट खरीदी है, ये वाली, जो कि पहली बार पहनने वाले हैं। हमें नहीं पता क्या, अभी चेक की है मैंने पहन के, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जस्ट मीन्स स्नान वगैरह करते हैं, 140 के अंदर ली थी मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक सिटी इतनी भयंकर वाली है, और वैसे काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही होगा। तो अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मैंने अपना बैग यहाँ पर रखा है, तो मैं वहीं स्नान करने वाला हूँ, कहीं भी साइड में नहीं जाने वाला। आने वाले को सभी को मैं ये सूचित कर देता हूँ कि कृपया करके अपना बैग का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बैग की चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती है। सो फाइनली गाइस, ये रही गंगा माता, और आई अब एंटर करते हैं अंदर, और काफ़ी एक्साइटमेंट मची इस बात की। और आपको पता है अपना फ़ोन वाटरप्रूफ है, तो हमें चिंता नहीं है। जय हो मालिक मालिक। काफ़ी कतर डाक वाली खुशी मिल रही है, और बहाव आप देख सकते हो कितना भयंकर वाला बहाव। एक बार वाटरप्रूफ लगाते हैं हम। So, let's him guys. तो यहाँ से आप निकलते हैं हम, और पहले हमारी साइकिल को वापस से सही ठिकाने पे लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि टाइम से आ जाना वापस से। तो पहले वहाँ चलते हैं, और हमें फिर से आना होगा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। आज हम हरिद्वार में ही रुकने वाले हैं, तो देखते हैं, क्योंकि वो जो क्या बोला, लक्ष्मण पुल या कुछ ऐसा ही कुछ बोला जाता है उसे, तो वहाँ पर भी जाना है। तो वहाँ जाएंगे और एक दो इन्फॉर्मेशन और लेंगे, तो चलते हैं गाइस। ये आप कमेंट करके बताना ये वाली शर्ट कैसी लगी आपको, मुझे तो वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है। ये गंगा मैया की, और भाई देख लो दोस्तों, जो मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ शायद ही किसी और के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी गाइस, खाना खाकर अब एक्चुअली फ्री हो गए हैं, तो अब दिखाता हूँ मैं आपको अच्छी अच्छी जगह। तो हम वापस से एक बार यहाँ आ चुके हैं राउंड लगाने, क्योंकि मेरा मन था यहाँ घूमने का, तो चल दिए वापस से एक बार। ये आप देख सकते हो, और ये मेरे पीछे देखो, ये रहा पीछे मेरे, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कुछ। लो जी, पहुँच जाते हैं हम एक हरिद्वार के अंदर, एक छोटा सा क्या बोले ब्रिज है। तो ये देखिए आप ये ब्रिज, तो इस ब्रिज से मैं आपको कुछ अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये ब्रिज देखिए, और यहाँ का मज़ा लीजिए। ये देखिए, यहाँ से गंगा मैया जी ऐसे यहाँ इधर वहाँ से आ रही है, ना जाने कहाँ से, और यहाँ तक जा रही है, आप देख लो। कहता हूँ यहाँ का मार्केट को, ये शंख वगैरह, ये आप देखिए ऐसे शंख वगैरह, वॉचेस और माला वगैरह, और ऐसे सजावटी सामान इत्यादि सामान से मिलेंगे। और ये है प्रवेश द्वार, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, जो कि लास्ट वीडियो आपने क्लिप देखी होगी आपने, मैंने दिखाया था आपको कि हम एक उड़न खटोले में जा रहे हैं, तो उड़न खटोले का टिकट मैंने ले लिया, और यहाँ पर वेटिंग के लिए लगे हुए हैं। वहाँ देखिए आप, 29 नंबर चल रहा है, और हमारा 45 नंबर है, मतलब 45 नंबर है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जब फाइनली गाइस, कम से कम एक से डेढ़ घंटे बाद में हमें हमारा नंबर आया उड़न खटोले में बैठने के लिए। अभी हम बैठ चुके हैं पालकी में, और पालकी हो चुकी है रवाना, जैसे कि आप ऊपर की साइड में जो जा रही है। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हो, और देखिए इस जगह का कुछ इस तरीके का नजरिया नज़ारा है, और यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह और किताबें वगैरह,
और मार्केट तो वैसा ही है जो ऐसा नीचे था। अभी अंदर चलते हैं, मंदिर वंदिर में भी जाकर आते हैं, जगह पर पहुंचे हैं। और मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ यहाँ का। फिलहाल लेफ्ट नहीं आ रही, आप देख सकते हो यहाँ से, और कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है, ये देखिए। तो अभी हम वापस से निकल चुके हैं और मैंने सन हैट लगा लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। इस टाइम हो चुका है, मैं वहाँ परेशान हो चुका था क्योंकि मैं रुके रुके परेशान हो चुका था। बहुत ही प्यारा, मैं हरिद्वार से निकल चुका हूँ। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि हरिद्वार में मैंने सारी चीज़ें मतलब की एक्सप्लोर कर ली थी। तो हम हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे और हमें एक जगह मिली, ये आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा जंगल मिला जो कि ये आप देख लीजिए राजा जी नेशनल पार्क नाम से मशहूर है। और इस जंगल के अंदर आपको कुछ वन्य जीवों को दिखाया जाता है जो कि जीप की सवारी की कराई जाती है। दोस्तों हम चल रहे थे ऋषिकेश की ओर और हमें ये दीदी मिली हैं, तो इन्होंने हमारी कुछ मदद की। हेलो, क्या नाम है आपका? अक्षता जी। आपका? सीता। सीता, अच्छा जी। और आपका? सरोज। सरोज जी, राणा। अच्छा, कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। तो देख लो गाइस, उत्तराखंड के लोग और हमारी मदद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इन सब से मिलकर हमें। और ऐसे लोग हमें खुशी हुई ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप जैसे लोग मिलते हैं काफ़ी खुशी होती है। अगली ब्लॉग में एड किया। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और काफ़ी सुना था ऋषिकेश के बारे में, तो अब ऋषिकेश का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। मेरी लाइफ का पहला टेंट कैंपिंग होगी वो, जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा वाली खुशी मिलने वाली है। और लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, लोकेशन आप देख के बोलोगे भाई के ज़िंदगी हो तो ऐसी। अब आप देखिए, ये देखो भाई, ये भाई, तो इस जगह पर हम टेंट लगाने वाले हैं। और हमारे सामने से एकदम से गंगा नदी होने वाली है, और कितनी खुशी होने वाली है। आप सोचो कि मैं कितना खुश हूँ। अभी हम ऋषिकेश में हैं और यहाँ आरती होने वाली है, तो गाइस ज़्यादा गौर फरमाइएगा। तो फाइनली अभी हम बैठे हैं एकदम बढ़िया वाली लोकेशन में, और हमारे सामने गंगा मैया जी है, ये आप देख सकते हो। और अभी आपने देखी होगी कि मैंने आरती की जो वीडियो लगाई थी वो यहीं की थी, और एक बढ़िया सी लोकेशन है यहाँ पर। और आज का स्टे हमारा इसी जगह होने वाला है, एक यहाँ पर एक सीवरेज पंप स्टेशन है, तो यहाँ पर हमें एक रूम मिला है। तो यहाँ ये भैया जी ने हमें रूम दिया है, जगह दी है, तो इन भैया जी का एहसान रहेगा कि हमें यहाँ पर जगह दी रुकने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारा, और आज की रात भी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि हमें एक अच्छा सा रूम मिल गया। वरना अगर मैं यहाँ टेंट लगाता, या टेंट लगाना वहाँ होता हमारा ऊपर के साइड, लेकिन यहाँ हवाएं बहुत तेज़ हो रही थी तो दिक्कत आ सकती थी हमें। सो कोई नहीं गाइस, अब आज के ब्लॉग की एंडिंग यही करते हैं, और मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट एपिसोड में। और